युगदृष्टा पूज्य पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी ने गुजरात के श्यामला जी में प्रथम गायत्री शक्तिपीठ की स्थापना की थी। आपके जानकारी के लिए बता दें कि श्यामला जी वो स्थान है, यहाँ का श्यामला जी मंदिर प्रसिद्ध है। श्यामला जी विष्णु व कृष्ण का रूप माने जाते हैं। यहाँ ध्यान साधना से लेकर युवा जागरण और नारी जागरण के लिए विभिन्न रचनात्मक एवं सुधारात्मक गतिविधियाँ संचालित होती हैं। इन्हीं गतिविधियों को और अधिक गति प्रदान करने के उद्देश्य से तथा गायत्री शक्तिपीठ से जुड़े परिजनों का मार्गदर्शन करने शांति कुंज हरिद्वार से परम श्रद्धेया शैल दीदी टीम के साथ श्यामला जी पहुंची। परिजनों ने भावपूर्ण स्वागत कार्य किया। गायत्री शक्तिपीठ का ये 42वां वर्ष है और धीरे धीरे स्थापना की स्वर्ण जयंती वर्ष की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में परम श्रद्धेया दीदी का श्यामला जी आना परिजनों में उत्साह को पंख लगाने जैसा है। हालांकि अब मंदिर का प्रारूप पहले से और भी अधिक सुंदर, भव्य तथा विशाल हो गया है। ये परिजनों के बीच श्रद्धा और आकर्षण का केंद्र बिंदु है। यहाँ से विभिन्न रचनात्मक तथा सुधारात्मक गतिविधियाँ सतत चलाई जा रही हैं। परम श्रद्धेया दीदी ने परिजनों को आत्मीयता से ओतप्रोत कर दिया और परम वंदनीय माताजी की तरह दुलार और ममत्व बांटी और सभी का कुशल क्षेम जानी। एक एक परिजनों से मिलकर उनके व्यक्तिगत सुख दुख में भागीदारी का आश्वासन भी दिया। अंत में उन्होंने परिजनों का मार्गदर्शन किया। इस अवसर पर गायत्री तीर्थ शांति कुंज के युवा प्रतिनिधि आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने भी परिजनों का हालचाल जाना। युवाओं एवं कर्मठ कार्यकर्ताओं का उत्साह वर्धन एवं युग निर्माण के कार्य में जुट जाने का आह्वान किया। श्यामला जी एवं निकटवर्ती परिजनों ने परम श्रद्धेया शैल दीदी एवं आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या और आदरणीय शेफाली दीदी को अपने बीच पाकर हर्षित एवं गदगद दिखाई दिए। अब आप शांति कुंज वीडियो YouTube चैनल देखें कभी भी कहीं भी। डाउनलोड करें शांति कुंज वीडियो मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से। माताजी के दिव्य संरक्षण में आज के अत्यंत ही पवित्र पुनीत पावन महत्वपूर्ण अवसर पर श्यामला जी के इस शुभ स्थान पर, जहाँ पर गुजरात की धरती पर परम पूज गुरुदेव के चरण पहली बार पड़े, उस पवित्र स्थान पर आज के इस कार्यक्रम में परम पूज गुरुदेव पर वंदनीय माताजी दोनों की ही चेतना के साकार मूर्त रूप के रूप में हम लोगों के मध्य उपस्थित श्रद्धेया जी यहाँ पर उपस्थित गुजरात के, राजस्थान के विभिन्न स्थानों से आए कैत्य परिवार के सभी कार्यकर्तागण, प्यारे भाई बहनों और प्यारे मित्रों, आज जब हम लोग श्रद्धेया जी के माध्यम से यहाँ इस दीक्षा को ग्रहण करने के लिए एकत्रित हैं, तो आज का दिन एक बड़े ही महत्वपूर्ण संदेश को लेकर हम लोगों के जीवन में आया है। दीक्षा का अवसर उस एक शक्ति और उस एक तत्व को जगाने का अवसर है। यदि हम ध्यान से देखें तो समस्त आध्यात्मिक शक्तियों, विभूतियों, संपदाओं का एकमात्र आधार और केंद्र है, और उस शक्ति, उस तत्व का नाम है श्रद्धा। आपने देखा होगा लोग मंत्र तो एक ही तरह का जपते हैं। गुजरात में भी गायत्री मंत्र वही है जो राजस्थान में है, वही हरिद्वार में है, वही अमेरिका में है, वही कनाडा में है। मंत्र नहीं बदलता, मंत्र को करने के तरीके भी नहीं बदलते। पूजा उपासना की जो विधियां हैं, जो उनके तरीके हैं, वो भी वैसे ही रहते हैं। यहाँ की कई कई बार तो गुरु भी एक ही होते हैं, पर तब भी जो एक शिष्य को मिलता है वो दूसरे को नहीं मिल पाता। जो एकलव्य प्राप्त कर पाता है वो अर्जुन को नहीं मिलता। जो अर्जुन को मिलता है उसको प्राप्त करने से दुर्योधन वंचित रह जाता है।
इसके पीछे का कारण ये नहीं है कि गुरु ने एक को कुछ विशेष सिखाया और दूसरे के साथ भेदभाव किया। इसका कारण मात्र इतना है कि एक की पात्रता में और दूसरे की पात्रता में अंतर पड़ गया। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वो वैसे ही परिणाम को लेकर के आता है। गुरुदेव ने एक स्थान पर लिखा है कि श्रद्धा मंदिर के गुंबद की तरह से है, उसमें हम लोग जो बोलते हैं वो वैसी प्रतिध्वनि को लेकर के आते हैं। यदि पुकार सच्ची होती है तो प्रहलाद की पुकार पर भगवान को खंभा फोड़ करके निकलना पड़ता है। यदि मीरा की पुकार सच्ची होती है तो मीरा की पुकार पर भगवान को आकर के जहर को पीना पड़ता है। यदि ग्वाल वालों की पुकार सच्ची होती है तो उनकी पुकार पर भगवान कृष्ण को आकर गोवर्धन को उठाना पड़ता है। यदि रीछ वालों की पुकार सच्ची होती है तो उनके उछाले गए पत्थर पानी पर पुल बन जाते हैं। ये जो अंतर पड़ता है वो व्यक्ति की अपनी अंतर मन की पुकार का पड़ता है। जिस भाव से आपने पुकारा वो परिणाम को लेकर के आता है। और जो दीक्षा का अवसर है वो हमारी पुकार को गहरा करने का, हमारे अंतर मन की याचना को, हमारे अंतर मन की अभ्यर्थना को और भी तीव्र करने का, और भी गहराई के साथ पूज्य गुरुदेव को, वंदनीय माता जी को, माँ गायत्री को पुकारने का अवसर है। एक कथा आती है, कहीं पर कथा आती है संत की। उनके शिष्यों ने उनसे पूछा कि एक बात बताइए गुरुदेव, सब लोग एक ही तरह का मंत्र तो पढ़ते हैं, वही गायत्री का मंत्र है। एक ने पढ़ा ब्रह्मर्षि विश्वामित्र बन गया, दूसरे ने पढ़ा तो साधारण व्यक्ति क्यों रह गया, कहाँ पर अंतर पड़ा? संत ने कहा कि बेटा तुम लोगों का प्रश्न तो बहुत अच्छा है, पर उत्तर यहाँ पर नहीं दूंगा, नगर के बीच में दूंगा। वो उनको लेकर के चले, बाजार में गए, वहां पर मंदिर बन रहा था। मंदिर को बनाने के लिए लोग अपने कंधों पर ईंटों को लेकर के जा रहे थे। उनने एक व्यक्ति को रोका, क्यों भैया क्या कर रहे हो? बोले आपको दिखाई नहीं पड़ता है मेरे कंधे पर बोझा लगा हुआ है, आप कह रहे हो क्या कर रहा है? बोले मेरे कंधे पर बोझ है, बोझ उठा रहा हूँ। उनने कहा अच्छा भैया गुस्सा मत करो। दूसरे को रोका, क्या कर रहे हो? उनने कहा कि साहब मजदूरी करनी पड़ती है, घर में पत्नी बच्चों को पालना है तो कारोबार भी करना पड़ता है, पैसे भी कमाने पड़ते हैं, वही कर रहा हूँ, मजदूरी कर रहा हूँ। उनने कहा कोई बात नहीं। तीसरे को रोका, क्या कर रहे हो? उस व्यक्ति के हाथ श्रद्धा से जुड़ गए। बोले साहब भगवान का मंदिर बन रहा है और मुझ नाचीज को ये सौभाग्य मिला है कि मेरे हाथ की ईंटें इस मंदिर में लगने जा रहे हैं, तो मैं मंदिर बना रहा हूँ। संत बोले अपने शिष्यों से कि समझ में आया, मंदिर तीनों बना रहे हैं, ईंटें तीनों उठा रहे हैं, एक बोझ की तरह से उठा रहा है, कारोबारी की तरह से उठा रहा है और एक भक्त की तरह से उठा रहा है। मंदिर उसका सार्थक हो पाता है जिसने भक्त की तरह से ईंटें लगाई। हमारे जीवन में सार्थकता तब आती है जब श्रद्धा की पुकार गहरी होती है। जिसकी श्रद्धा की पुकार गहरी होती है उसके जीवन में सभी सत्प्रवृत्तियों का, सत्कामनाओं का जागरण हो पाता है। आज के दिन जब श्रद्धा जी के मुख से हम लोग उस दीक्षा को ग्रहण करें तो मैं कहूँगा हम लोग उसी सौभाग्य का स्मरण करें जो इस शुभ दिन हम लोगों को पूज्य गुरुदेव के साथ जुड़ने के रूप में प्राप्त हो पाया। ये दिन श्रद्धा के जागरण का है, ये दिन सौभाग्य के स्मरण का है, और ये दिन इस सौभाग्य के स्मरण का है कि आज की जो महासमर की परिस्थितियां हैं जिसमें मानवता को बिल्कुल हम लोग छिन्न भिन्न होता हुआ देख सकते हैं, ये परिस्थितियां ऐसी परिस्थितियां हैं कि इन परिस्थितियों में एक अद्भुत सौभाग्य हमारे हिस्से में आया है। ये परिस्थितियां एक और तो संकट की हैं, संघर्ष की हैं, समस्या की है, तो दूसरी ओर ये परिस्थितियां सौभाग्य के अवतरण की है। वो इसलिए क्योंकि इन्हीं परिस्थितियों में हम जैसे लोगों के पास ये सुयोग आ पाया है, ये सुअवसर आ पाया है, सौभाग्य आ पाया है कि हम लोग चाहें तो अपना नाम गुरुदेव के सहयोगी के रूप में, गुरुदेव के एजेंट के रूप में, भगवान के पार्षद के रूप में, भगवान के प्रतिनिधि के रूप में लिखा सकते हैं। ऐसा अवसर व्यक्ति को एक युग में एक बार मिलता है। जब अंतिम बार इस तरह का रिक्रूटमेंट हुआ था तो भगवान ने ग्वाल वालों को पुकारा था, उससे पहले कभी भगवान ने जो है अपने सहयोगियों को पुकारा था तो पांडव निकल करके आए, कभी गिलहरी निकल करके आए। इस बार जब भगवान ने आवाज लगाई है तो हम लोगों को पुकारा है, उस आशय के साथ पुकारा है कि यदि हमारे अंदर भगवान की आवाज को सुनने का साहस है तो हम लोग आगे बढ़कर भगवान की इस योजना में अपना नाम दिखा सकते हैं। हम लोग यदि आपके पास आए हैं तो दीक्षा के दिन ये कहने के लिए आया है कि भगवान ने इश्तेहार निकाला है, एक बड़ा एडवर्टाइजमेंट निकाला है, और निकाला यह है कि भगवान पुकार रहे हैं,
उन लोगों को पुकार रहे हैं जो भगवान के सहयोगी के रूप में अपना नाम लिखा सकते हैं। आप पूरे महाभारत को बह करके देखिए, कोई कहे महाभारत में कितने योद्धा ने लड़ाई लड़ी, नाम बताइए, बता सकते हैं क्या? कोई नहीं बता सकता। वेदों व्यास से पूछा जाए जिनने पूरी महाभारत लिखी तो वो नहीं बता सकते। पूरे महाभारत में जितने योद्धाओं ने लड़ाई लड़ी उनका नाम बता पाना संभव नहीं। पर अर्जुन का कोई भूलता नहीं, भीम का कोई भूलता नहीं, युधिष्ठिर का कोई भूलता नहीं, क्योंकि नाम उनके याद रखे जाते हैं जो भगवान के सहयोगी बन पाते हैं। आप उनके नाम याद रखते हैं। नरेंद्र कितने लखपति आते हैं, करोड़पति आते हैं, आपसे पूछा जाए श्यामला जी में कितने हैं तो आपको खुद नहीं पता होगा, उनको भी नहीं पता होगा जो लखपति बने। हर साल बदल जाते हैं, सूची बदल जाते हैं, उनके नाम कोई याद नहीं रखता। पर मानधाता का और भामाशाह का कोई भूलता नहीं, क्योंकि नाम उनके हाथ रखे जाते हैं जो भगवान की योजना में सहयोगी बन पाते हैं। न जाने कितने लेखक आते हैं, न जाने कितने साहित्यकार आते हैं, न जाने कितने कवि आते हैं, न जाने कितने लिखने वाले आते हैं, उनके नाम कोई याद नहीं रखता। मीरा का कोई भूलता नहीं, जलाराम बापा का कोई भूलता नहीं, संजूर दास का नाम कोई भूलता नहीं, कबीर दास का नाम कोई भूलता नहीं, चैतन्य का नाम कोई भूलता नहीं है, क्योंकि नाम उनके याद रखे जाते हैं जो भगवान के सहयोगी बन पाते हैं। हमसे पूछा जाए कि हमारे ही परिवार में न जाने कौन आए, 4 जनरेशन पहले, 6 जनरेशन पहले, 8 जनरेशन पहले कौन आए, नहीं बता सकेंगे। गुरुदेव का नाम कोई भूलता नहीं, विवेकानंद का नाम कोई भूलता नहीं, इसलिए नहीं भूलते हैं क्योंकि नाम उनके याद रखे जाते हैं जो भगवान की योजना में सहयोगी बन पाते हैं। इस बार भगवान ने इसी आशा के साथ पुकारा है और ये कह करके पुकारा है कि देवी योजना का, देवी संकल्प का, देवी संभावना का, अधिकारी बन पाने का सौभाग्य, उसमें सहयोगी बन पाने का सौभाग्य व्यक्ति को युगों युगों में कभी एक बार मिलता है। इस बार दीक्षा की घड़ी में वही पुकार आपको पहुंचाई जा रही है। ये कहा जा रहा है कि अवसर न जाने कितने वर्षों के बाद, न जाने कितने युगों के बाद एक बार फिर से हमारे जीवन में आया है जहां हम लोग सौभाग्य की रेखा अपने जीवन में खींच सकते हैं। वैसे भी जब बड़ी घड़ी होती है तभी तो लोगों को पुकारा जाता है, युद्ध छिड़ जाता है, प्रधानमंत्री मीटिंग करते हैं तो मंडी वालों के साथ थोड़ी करते हैं, रक्षा मंत्री के साथ करते हैं। आपके घर में शादी होती है और शादी होती है और आप निमंत्रण बांटने के लिए जाते हैं तो सड़क में चलते आदमी को थोड़ी बुलाते हैं, आइए आप हमारे घर में शादी में बैठ जाइए। आप उनको बुलाते हैं जिनके साथ आपके संबंध है, जो आपके मित्रगण है, जिनको आप जन्म जन्मांतर से जानते हैं। वैसे ही जब भगवान पुकारते हैं तो उनको पुकारते हैं जो अपने, जिनके साथ गुरुदेव ने युगों युगों काम किया उनको पुकारा गया है। ये कहा गया है कि जो लोग सो रहे हैं उनको सोने दीजिए, जिनके पास अपनी कामनाओं अपनी वासनाओं की आवाज सुनाई पड़ती है, इस कोलाहल में उनको भगवान की आवाज सुनाई नहीं पड़ती, उनको भूल जाइए। पर जो लोग तपस्वी आत्माएं हैं, जो लोग पुण्यात्माएं हैं, जो लोग जागृत आत्माएं हैं, जिनको अपने कर्मों का भान है, जिनको अपने कर्तव्य पालन की याद है, जिनके लिए गुरुदेव के उद्देश्य के प्रति वंदे है, जिनके मन में भगवान की भावनाओं के प्रति भाव है, वो लोग जानते हैं कि प्रज्ञा के अवतरण का समय हो रहा है। वो लोग जानते हैं कि संग्राम अब चरम पर है। ऐसे समय में सब कुछ भूलकर भगवान की योजना के लिए अपने आप को न्योछावर कर देने का समय आ गया है। ये समय यही पुकारता हुआ आया है, ये कहता हुआ आया है कि आप बाकी जगहों पर जाते हैं, सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं, खाना बनाने के लिए जाते हैं, गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया जाते हैं, बाकी सब जगहों पर आप जाते हैं, भगवान के यहाँ आप जाते नहीं है, भगवान के यहाँ बुलाए जाते हैं। आप लोगों को यहाँ बुलाया गया है ताकि आपकी चेतना को भगवान की चेतना के साथ जोड़ा जा सके। ये समय भगवान की योजना में सहयोगी बनने के लिए आया है, ये समय भगवान की योजना में अपने हाथ को लगाने के लिए आया है। समय की बड़ी महत्ता है दोस्तों। आप खेती करने के लिए जाएं तो किसान भी अच्छा होना चाहिए, जमीन भी अच्छी होनी चाहिए, बीज भी अच्छा होना चाहिए। किसान अच्छा है पर जमीन खराब है तो क्या होगा? किसान भी अच्छा है, जमीन भी अच्छी है और बीज खराब है तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर अच्छा है पर दवाई खराब है, नकली मिल गई तो क्या होगा? आपको दोनों चाहिए, समीकरण पूरा सही चाहिए। तो न केवल जिंदगी में समीकरण महत्वपूर्ण है बल्कि समीकरण की टाइमिंग भी महत्वपूर्ण है। आप घर से सामान पैक करके निकले, सब कुछ अच्छा है, आप सारी चीज लेकर के चले और ट्रेन छूट गई तो क्या होगा? गलत समय पर पहुंच गए। उस समय में आदमी का सही समय पर पहुंचना जरूरी है। ये जो समय है वो ऐसा समय है जो मानवता के इतिहास में पहले कभी आया नहीं और दोबारा आने की संभावना नहीं। इस समय में भगवान ने पुकारा है और ऐसे लोगों को पुकारा है जिनकी अंतरात्मा जागृत है। दीक्षा के अवसर पर जागृत आत्माओं से प्रार्थना की जा रही है, कहा जा रहा है हम लोग आगे बढ़े, अपने कर्तव्य का स्मरण करें। जो समय को पहचान लेता है भगत सिंह कहलाता है, जो समय को पहचान लेता है संत बन जाता है, जिसको समय का स्मरण रहता है
वो अपना नाम इतिहास के पृष्ठ में अंकित करके जाता है। मरते सभी हैं दोस्तों, किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, किसी को एक्सीडेंट से मृत्यु आ जाती है, पर फांसी पर चढ़ने वाला, देश के लिए झूलने वाला भगत सिंह कहलाता है। जो गुरुदेव के नाम के आगे अपने काम को कर जाता है वो उनका सृजन सैनिक बन जाता है। ये समय ऐसे लोगों को पुकारता आया है। आज के दिन चूंकि समय अल्प है, मैं यही प्रार्थना हर एक से करूंगा कि उसी का हम लोग स्मरण करें, वही बोध रहे, वही भाव रहे और वही मन में समर्पण रहे कि जिस आवाज को देकर गुरुदेव ने हमें बुलाया उस कार्य को हम लोग संभव कर सके। दीक्षा के दिन यही पावन संकल्प हमारे हृदय में उतरे, यही भाव हमारे हृदय में आए, यही सबके लिए शुभकामनाएं, यही सभी के लिए मंगल कामनाएं। अब आप शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल देखें कभी भी कहीं भी। डाउनलोड करें शांति कुंज वीडियो मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से। आप लोग बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं, सूर्य भगवान भी अपने पूरे तेज पर हैं, वो अपने अपने पर खूब तेज बरसा रहे हैं और बच्चे भी उन मनोयोग के धनी अपने संकल्पों के साथ अपने गुरु चरणों में संकल्पित बैठे हैं कि आज उनका संदेश, उनकी वाणी हम जरूर सुनेंगे। कहते हैं भावों में भगवान बसा करते हैं, भावनाओं के होते भगवान को उतारा जा सकता है। जितने भी भक्त हुए हैं उन्होंने अपने भावों के वशीभूत होकर जब भी पुकारा भगवान धरा पर उतर के आए। एक संत लोक सेवा काम में निरंतर व्यस्त रहा करते थे, बहुत ज्यादा व्यस्त थे। एक दिन वो सोए हुए थे, उन्होंने सपने में देखा एक फरिश्ता आकाश मार्ग से गुजर रहा है। उन्होंने फरिश्ते से पूछा, भाई तुम्हारे हाथ में जो किताब है इसमें क्या है? बोली, इस किताब में मैं भगवान का दूत हूं और ये किताब लेके जा रहा हूं जिसमें भगवान के भक्तों की सूची है। उनको कौतूहल हुआ कि भगवान का नाम तो मैं भी लेता हूं, पूछता हूं कि मेरा नाम भी है कि नहीं। उन्होंने पूछा कि फरिश्ते ये तो बताओ इस सूची में हमारा नाम है कि नहीं। उन्होंने सारी लिस्ट देखी, उन्होंने कहा नहीं, इस सूची में तो आपका नाम नहीं है। थोड़े मायूस जरूर हुए, कोई बात नहीं, फरिश्ते अपने राह चले गए, संत अपने काम में फिर से लग गए। वही भगवान का नाम, वही भगवान का काम। कुछ दिन गुजर जाने के बाद उन्होंने फिर सपना वही देखा, फरिश्ते को वही किताब हाथ में देखा। उन्हें निकल जाने दिया, उन्हें कुछ कहा नहीं। इस बार फरिश्ते ने पूछी कि इस बार ये नहीं पूछोगे कि तुम्हारे हाथ में क्या है? उन्हें कहा ठीक है बता दीजिए। उन्हें कहा ये वो किताब है, पहले तो वो थी जिसमें भक्त भगवान को याद किया करते हैं, लेकिन अब ये किताब वो है जिसमें भगवान अपने भक्तों को याद किया करते हैं। आज हम उन्हीं भावनाओं के साथ जिसने हमारा भगवान, हमारा इष्ट, हमारा आराध्य हमारे सामने आ सके। गायत्री मंत्र हम जब ही लेते हैं, लेकिन गायत्री मंत्र के अंदर वो भावनाएं, वो भाव जिस दिन पकड़ा जाएंगे भगवान को भी धरती पर आने को विवश होना पड़ेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ दोनों हाथ ऐसे जोड़ने, अपनी निगाहें दोनों अंगों पर केंद्रित कर लें, भावना करें वो क्षण जिसको आप आज तक बोलते रहे, वो मंत्र बनके आपके जीवन का कायाकल्प करने जा रहा है। एक पर परम पूज्य गुरुदेव, एक पर माँ भगवती, एक पर यज्ञ पिता, एक पर माँ गायत्री, एक पर जीव, एक पर ब्रह्म। इन दोनों का अनूठा गठबंधन आपके समग्र जीवन को परिष्कृत करने जा रहा है, झलकृत करने जा रहा है। गायत्री मंत्र हमारे साथ दोहराएंगे। ओम ओम।
अपनी निगाहें अभी इसी तरह से केंद्रित रखेंगे जब तक अब सिंचन न हो। अब आप शांति कुंज वीडियो YouTube चैनल देखें कभी भी कहीं भी। डाउनलोड करें शांति कुंज वीडियो मोबाइल ऐप Google Play स्टोर से।
हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।